बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद फैजलशेख के साथ आज हम अपने आईक्यू टेस्ट यानी ब्रेन टेस्ट या फिर आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर न्यू वीडियो लेकर आए। अच्छा जी दोस्तों, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि आईक्यू टेस्ट जो है बेसिकली वो एनटीएस के स्टूडेंट्स या ऑल कम्बाइंड कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं या प्री एंट्री टेस्ट के जो देते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी लॉजिक को समझना, इसको क्रिटिकली समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज हम अपनी इस न्यू वीडियो में जो है न्यू आईक्यू टेस्ट जो है उसका सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप मेरी वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा, मेरा चैनल लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन वाले बटन को क्लिक भी कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जी हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको जो है फोकस करती हूँ, ये मेरे पास एक पिक है, ठीक है। अब ये पिक को आपने थोड़ा कंसीडर करना है, यहाँ देखना है फोर, ये पहले देखें पिक है, पिक में 1, 2, 3, 4 टाइप्स है यानी 4 पार्ट्स है। अब ये पार्ट जो है, अगर हमने ए पार्ट इसका नाम दे दिया, बी इस पार्ट को दे दिया, सी इस पार्ट को दे दिया और फिर डी इसको। अब यहाँ पे जो है ए पार्ट में हम देखते हैं, यहाँ पे 4 हमने राइट किया, 20 लिखा हुआ है और 80 लिखा है, ठीक है। बी को देखेंगे, बी में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 15 है और 45 है। नंबर्स को आप ज़रा कंसीडर कर लें। सी पार्ट में 6 है, 30 है, 180 है। डी में हमारे पास क्या है, 7, 35 और 245। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए पिक को भी देखते जाना है और सॉल्यूशन को भी। ये सॉल्यूशन है, हम पहले ए पार्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, हमने ऐसा टेबल जो है वो चूज़ करना है जो 20 लेकर आ जाए। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 5 4 ज़ा, ये हम यहाँ पे 20 राइट कर रहे हैं, 24 ज़ा 80 हो जाएगा। अच्छा गाइज, ये मैं आपको जो है वो कैलकुलेटर के थ्रू जो है आपको बता भी देती हूँ। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेती हूँ, उसके थ्रू जो है यहाँ देख लेते हैं हम। 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हमारे पास 20 आ गया था। अब हम 20 को, ये जो हमारे पास 20 को हम रिवर्स में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो ये हमारे पास 80 आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 80। अब हम बी वाला पोर्शन जो है वो सॉल्व करेंगे। बी पोर्शन सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप कंसीडर कर, यहाँ पे 3 है, 15 है और 45 है, ठीक है। हम 3 5 ज़ा, सबको पता है 3 5 ज़ा जो है वो 15 होता है, तो यहाँ पे हमने 15 राइट किया। अब 15 को जब हम 3 से करेंगे, तो 15 को 3 से करेंगे तो 45 आ जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व भी कर लेते हैं, 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 से, तो ये हमारे पास 45 आ जाएगा, तो ये 45 है, ठीक है। अब हमारे पास सी जो है वो 6 है, 30 है और 180 है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, 5 को 6 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। 5 के टेबल में 6 तक हम पढ़ेंगे तो ये हमारे पास 5 6 30 आ जाएगा। लेकिन जब 30 को 6 से करेंगे तो हम 30 को यहाँ पे 6 से करके मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 30 को मल्टीप्लाई बाय 6 से करेंगे तो हमारे पास 180 ऑलरेडी ये आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 180 राइट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास डी जो है, डी पोर्शन यहाँ पे देखें 7 लिखा हुआ है, 35 है, 245 है। अब 5 को 7 से करेंगे तो 35 आता है। एक दफ़ा हम यहाँ पे भी कर लें, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारे पास क्या बनेगा, 35, ठीक है। अब 35 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया था, अब रिवर्स में करना है, 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 को मल्टीप्लाई किया हमने 7 से तो हमारे पास 245 आ गए। यहाँ 7 लिखना भूल गई थी, 245, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है 245 आ गए। तो ये इस तरह जो है ये सॉल्यूशन हो गया। लेकिन यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे जो है राउंड में हमें ये देखना है एक्स की वैल्यू क्या है। अब एक्स जो है बेसिकली ये राउंड में है, तो इसका लिंक जो है इस वाले खाने से भी है, इसका लिंक इस वाले खाने से भी है, इसका लिंक इस वाले खाने या पार्ट से भी है, इसका लिंक जो है ना वो इस खाने या पार्ट से भी।
तो एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू जो है ये हमारे पास 20 और 80, ठीक है, यहाँ पर लिख लें हम। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह लिख लें, एक्स लिख लें या ए एक्स लिख लें, तो इसकी वैल्यू पे हमारे पास 20 और 80 आ जाएगी, ठीक है। अगर हम बी के साथ एक्स लिख लें बी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 15 और 45 आ गए, ठीक है। इसी तरह हम सी, सी को एक्स के साथ अगर हम राइट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 30 और 180 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम डी, डी के साथ हम एक्स लिखेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास 35 और 245। तो ये हमारी सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का ये आंसर है। तो दोस्तों आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वाला आईक्यू टेस्ट की जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट जो पिक्स के थ्रू ही आपको बहुत समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।